आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन अपडेट माहिरा होम 63A का और आसपास की चीज़ें एज यूजुअल बताने वाला हूँ। क्योंकि तो ये जो लैंड है ये कंप्लीट माहिरा होम 63 की है, जो कि ये वाली लैंड नहीं है। लैंड जो है मेन वो उस साइड है। जूम इन करके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये जो लैंड आपको इधर दिख रही है उस साइड है। ये वाली जो लैंड है जहाँ पे इन्होंने पहले सेल्स ऑफिस बनाया हुआ था, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए होता है। लैंड बेसिकली मेन उनका उस साइड है, वहाँ पे है। तो सबसे पहले आसपास की चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके साथ में बिल्कुल फ्रंट में ये पारस का कमर्शियल है, जिसमें ऊपर रेजिडेंशियल है, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट है, नीचे कमर्शियल है, जिसमें कोई भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा है। फर्स्ट थिंग ये हो गया जो इसके साथ में। सेकंड, थोड़ा सा आगे की साइड हम देखते हैं तो आपको ये बिल्डिंग है जो दिख रही है यहाँ पे, जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। ये वाली ये है महिंद्रा लुमिनारे नहीं है, ये आईडियो का ग्रैंड आर्क है। महिंद्रा लुमिनारे लेफ्ट साइड में है, यहाँ से दिख जाएगा आपको ये जो दिख रहा है ऊपर ये वाला, ये है महिंद्रा लुमिनारे। और ये जो सोसाइटी है ये आईडियो ग्रैंड आर्क है। एक्सटेंशन रूट की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कभी इधर आओगे तो उसके अंदर जाके एक बार विजिट करने की ट्राई करना बस। बहुत अच्छी प्रीमियम, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है वो, इस लोकेशन का, मतलब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का। इसके साथ में फिर M3 गोल्फ स्टेट भी और भी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ सबसे पहले माहिरा के साथ में मैंने आपको बता दिया ये पारस, फिर आईडियो ग्रैंड आर्क, फिर उसके साथ में अब बात कर लेते हैं कमर्शियल की। इस लोकेशन पे क्यों मतलब इतना ज़्यादा ये बिल्डर प्रीमियम कर रहा है, जबकि इस बिल्डर की ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आ जाता है ये जो आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट एक SEZ लैंड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लैंड है, जिसके अंदर कमर्शियल के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काम भी चल रहा है। तो ये बहुत अल्टीमेट लोकेशन है, बस यहाँ पे बिल्डर थोड़ा सा, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता वैसे बिल्डर के बारे में, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पता है चीज़ों को बोलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल लोग पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो भेजना स्टार्ट कर दिया, मतलब वीडियो कट करके कहीं ना, मतलब पूरी बातें नहीं बताते लेकिन थोड़ा पार्ट कट करके कहीं भेज देते हैं, फिर वहाँ से मेरे पास कॉल आता है, फिर चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अब मैं वो नहीं बोलूँगा जो पहले जिस तरीके से करता था, बस मैं ये बोलूँगा कि अच्छा, और कोई अच्छा बिल्डर होता तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती, वैसे भी अभी भी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये जो चारों बिल्डिंग आप दिख रही है ये टाटा की है, यहाँ पर जो ये चारों बिल्डिंग दिख रही है ये आपको टाटा की बिल्डिंग है, टाटा की SEZ है। यहाँ पर भी ऑफिसेज आएंगे इन फ्यूचर, अभी तो ये बनी रहा है। फिर उसके साथ में यहाँ पे ये कमर्शियल ये बना हुआ है, ये जो है इसके अंदर ऑप्टम कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 3-4 कंपनीज और हैं इस बिल्डिंग के अंदर जिसका नाम मुझे आइडिया नहीं है, जो लिखा हुआ है मैंने आपको वो बता दिया, ऑप्टम कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसके साथ में यहाँ पर जो लैंड है ये वाली, ये भी SEZ की लैंड है ये वाली यहाँ पर। और उसके साथ में जो ये आपको बीच से दिख रहा है ये वाला, जो ये बाउंड्री हो रखा है, ये 60 मीटर का यहाँ पे से रास्ता निकलेगा, मतलब रास्ता बनेगा यहाँ पे से, बेसिकली वो नहीं ये वाला रास्ता, ये जो है यहाँ पे से 60 मीटर का रास्ता निकलेगा। पीछे आपको पता है बेरमपुर गांव लगता है, ये लैंड है जो इन्होंने रेंट पे लीज़ पे ली हुई थी बेसिकली कुछ टाइम के लिए, ताकि ये सेल्स ऑफिस बना के बेच सके। तो ये वो लैंड है, यहाँ से रास्ता निकलेगा आपका डायरेक्ट पीछे जाएगा, पीछे कहाँ जाएगा, बेरमपुर गाँव को क्रॉस करते हुए कहीं जाएगा, वो कन्फर्मेशन नहीं है कहाँ जाएगा, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, यहाँ से 60 मीटर का रास्ता निकलेगा। ये वैसे 24 मीटर रोड पर है जो बेरमपुर गाँव के बीच से आ रही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट मैं बना रहा था, क्योंकि इस साइड के कंस्ट्रक्शन अपडेट बना रहा था, तो मैंने सोचा इसका भी डाल देता हूँ। इसमें वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, क्योंकि गार्ड ने अलाउ किया नहीं, तो मैं फोटो डाल दूंगा। अभी आपको स्क्रीन पे 2 फोटो दिख रहे होंगे, वो कंस्ट्रक्शन के, सिर्फ टावर नंबर 1 और 2 के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, 3 और 4 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, 0 कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी मैंने कुछ डाली नहीं। 1 और 2 में है कंस्ट्रक्शन तो उसका मैंने फोटो डाल दिया। डबल बेसमेंट प्लस टिल्ट है इसमें पार्किंग का, मतलब है पार्किंग का, जैसा बोला था माहिरा ने पार्किंग दे रहा है ये इसमें, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी माइवन ही दे रहा है। तो ऑलमोस्ट बना दिया टाइम पे तो अच्छी होगी, 1 साल डिले भी बनाया तो अच्छा होगा, बस ज़्यादा डिले ना करें नहीं तो प्रॉपर्टी फ्लॉप भी हो जाती है उस चक्कर में। तो लोकेशन इसकी भी बहुत प्राइम लोकेशन है, अगर ये 60 मीटर की रोड जितनी जल्दी बनेगी उतनी अच्छी लोकेशन ये हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अपडेट था। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लोकेशन ये बहुत अल्टीमेट लोकेशन है, रीज़न क्या है कि साथ में कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है, मतलब यहाँ से इस तरीके से लेके यहाँ तक कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर। तो आप समझ सकते हो वैल्यू आने वाले टाइम में जब इतने ऑफिसेज यहाँ पे ओपन होंगे तो कितनी ज़्यादा वैल्यू। अब कुछ लोग कहेंगे ऑफिसेज नहीं आएंगे, तो भैया भ्रम निकाल दो ये वाला अपना, ऑफिसेज नहीं आएंगे। जैसे इंडिया की आबादी बढ़ रही है ना, वैसे ही आबादी जब बढ़ती है ना तो जो नए बंदे आते हैं उनको भी जॉब चाहिए होते हैं, और जॉब आज के टाइम पर पुराने वाले जॉब खत्म हो रहे हैं, नए तरीके के जॉब आ रहे हैं,
तो उसी टाइप के अब जॉब इस साइड पे आने वाले, तो मतलब चीज़ें अब डेवलप होने वाली है। बहुत लोगों का एक माइंडसेट होता है कि नहीं भैया आप कहाँ कौन से ऑफिस आएंगे क्या आएंगे, तो उनके लिए बता रहा हूँ चीज़ें बहुत आनी है। इंडिया भी कोई ग्रो नहीं हुआ है अभी, इंडिया अभी अपने लेवल से अगर देखा जाए जितनी जनसंख्या है ना, तो उस हिसाब से कोई ग्रो नहीं हुआ है अभी। ग्रोथ स्टार्ट हुई है क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज अभी आना स्टार्ट, मतलब पहले भी आई थी यार, ऐसा नहीं आई थी, मतलब अभी थोड़ा लॉकडाउन के बाद अच्छी कंपनीज भी आना स्टार्ट हो गई हैं जो बड़े लेवल पे काम करती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर, तो वो भी आना स्टार्ट हो गई। तो वो इस साइड आके लें क्योंकि यहाँ पे रेंट ऑब्वियसली बात है कम होगा, साइबर सिटी से रेंट थोड़ा कम होगा, और लोकेशन भी पॉश लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि लोकेशन ख़राब है, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आसपास यहाँ वैसे कोई ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है, मतलब मतलब अफोर्डेबल के जैसा, अफोर्डेबल के जैसा सिर्फ यहाँ पे दो ही सोसाइटी है, एक है पिरामिड मिड टाउन और एक है माहिरा होम 63। तो पिरामिड का रेंटल ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब अगर इन्होंने टाइम पे नहीं बनाया तो पिरामिड का रेंटल ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पिरामिड माहिरा से अच्छा मेंटेनेंस करेगा, क्योंकि माहिरा का मेंटेनेंस का किसी को नहीं पता है बट पिरामिड का पता है, पिरामिड का मेंटेनेंस अच्छा होता है, तो जिसका मेंटेनेंस अच्छा होगा वो कस्टमर लेके चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में सिर्फ एक से डेढ़ एक किलोमीटर का डिफरेंस होगा, तो कोई भी यार 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, अगेन से कह रहा हूँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। अब आपको मिलूंगा मैं अगले किसी वीडियो में कंस्ट्रक्शन अपडेट के ही अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल हियर।